हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बजाज का ये रूम हीटर है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांडिंग लिखा हुआ है बजाज डिलक्स रूम हीटर, 2 ईयर्स की वारंटी के साथ आता है। आपको देखने में कुछ इस तरह का दिखेगा, आप फिगर में देख सकते हैं। आगे में लिखा हुआ है स्टेनलेस स्टील हीट रिफ्लेक्टर, बेसिकली इसके रिफ्लेक्टर है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए जैसे कि इसके प्राइस वगैरह का। तो मैंने कहा इसे ऑफलाइन दुकान से लिया है तो हमको ये 1500 रुपये 2500 रुपये कम मिले हैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कुछ MRP वगैरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कुछ इस तरह बजाज डिलक्स रूम हीटर। बाकी गाइस साइड में कुछ लिखे हुए हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं चाहो तो। गाइस लगभग मैं इसे 1 सप्ताह से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने स्टेटस डाला हुआ था कि मैंने एक रूम हीटर परचेज किया आप लोग के लिए। तो गाइस आपको कुछ इस तरह का बॉक्स में मिल जाता है, आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिसमें कि आप देख सकते हो यूज़र मैनुअल है। और आपको एक वारंटी कार्ड भी मिल जाता है बजाज का 2 ईयर्स का, यहाँ पे आप देख सकते हो वारंटी ऑन साइट है। तो आपको घर पे ठीक हो जाएगा, ये आपको कॉल करना होगा कंप्लेन। तो गाइस इसको रखते हैं एक बार हम साइड में और लाते हैं अपने मेन हीटर को। तो गाइस ये रहा रूम हीटर। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्लग के। प्लग आपको इस तरह को देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 16 mm का एक प्लग मिल जाता है जो कि काफ़ी हैवी है। आपको ये नॉर्मल सॉकेट में नहीं लगेगा, आपको इसको यूज़ करना है तो आपको 16 mm का एक सॉकेट लगेगा जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वायर का क्वालिटी काफ़ी तगड़ा है, आप देख सकते हो, हीट रेसिस्टेंट भी है और ये काफ़ी ड्यूरेबल वायर है। वायर का लेंथ भी लगभग मेरे ख्याल से 4 फीट का इसका लेंथ भी है, उसको कंसिडर कर सकते हो। बाकी गाइस आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, बजाज की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, आपको एक प्रोटेक्टर के लिए मिल जाता है, साथ साथ आपको 2 एलिमेंट मिल जाता है, 1000 वाट का 2000 वाट का 2 एलिमेंट। और आपको ये पूरा स्टेनलेस स्टील का ये जाली मिल जाता है और ये रिफ्लेक्टर जो गाइस ये भी स्टील का है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और गाइस आपको इसको अप डाउन करने के लिए यहाँ पर एक स्टैंड मिल जाता है जिसके साथ आप इसको इसे इस तरह से कर सकते हो अपने, जैसे कि मैं इसे कर दिया इस तरह से, तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, एंगल पे सेट कर सकते हो किस एंगल पे आपको इसको रखना है इस तरह से। दोनों तरफ आपको देखने को मिलता है, पीछे से गाइस कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको एक नॉब मिल जाता है जिसकी सहायता से आप इसको, जैसे कि यहाँ पे इस पर ले जाओ, ये ऑफ हो गया, इसको हम अभी 1000 वाट पे और ये 2000 वाट पे इस तरह से आपको यूज कर सकते हो। ओके गाइस ये जो है ये चदरा का है जैसा पता चल रहा है छूने से, और ये स्टील का है तो काफ़ी सही है। यहाँ पे बजाज की ब्रांडिंग है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके गाइस यहाँ पे बजाज का ब्रांडिंग और ये जो है देख सकते हो पीछे से खोखला है, इसको भी आप लोग कंसीडर कर लेना। ओके गाइस अब मेन बात करते हैं कि इस पर हीट कितना है। हीट तो काफ़ी अच्छा है। और ये गाइस अपना एक डिजिटल बोर्ड है, अभी वोल्टेज आप देख सकते हो 242 है, 242 वोल्ट आ रहा है। और ये बोर्ड है, इसमें हम इसको लगाते हैं गाइस, अब देखते हैं कितने देर में ये हीट हो जाता है। इसमें गाइस प्रॉब्लम मेन है कि इसको, जैसे मैंने अभी इसमें करंट दिया, इसमें थोड़ा समय लगेगा हीट होने में, लगभग 1 मिनट। तो देखते हैं कितने देर में ये हीट होता है। तो गाइस इसमें देख सकते साउंड आ रहा है, शायद आप लोग वो साउंड को सुन रहे हैं चर्चा का, जब साइलेंसर गाड़ी का साइलेंसर हीट होता है तो फैलता है लोहा और वो सुकड़ता है, तो उसी तरह ये भी फैल रहा होगा। और ये गैस अपने मीटर पे दिखा देख सकते हैं 224 अभी है, वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हो गया। और यहाँ पे जो यूज़ कर रही है लगभग 1952-53 वाट यूज़ कर रहा है। और ये देखिए अब धीरे धीरे रेड होना शुरू हो गया है। और ये गाइस ओहो काफ़ी हीट होना स्टार्ट हो गया है। मैं गाइस कैमरे से लगभग 3 फीट दूर बैठा हुआ हूँ और ये यहाँ तक हीट कर रहा है, अब ये और हीट होगा। ओके तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ये रेड हो गया। मैं एक
लाइट को ऑफ कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखाई दे आप लोग को। मैं लाइट को थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना हीट हो गया ये, और लगभग मैं इसे 3 फीट की दूरी से महसूस कर पा रहा हूँ कि इसका हीट यहाँ पे आ रहा है। तो गाइस आपको यदि ठंड में हाथ पैर सेकना हो तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको 1000 वाट पे आप चला सकते हो, 2000 वाट पे भी चला सकते हो। पीछे मैं आपको नॉब मैंने दिखाया हुआ, उस नॉब की सहायता से इसको आप लोग थोड़ा सा टच भी कर सकते हो, ये जाली हीट हो जाएगा, इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी गाइस यहाँ पर एक पकड़ने के लिए दिया हुआ है, और ये मीटर जहाँ पे ये बिल इसका कैलकुलेट हो रहा है आप लोग देख सकते हो, लगभग 2000 वाट से थोड़ा कम है क्योंकि वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हो गया लोड पड़ते हैं। ओके गाइस, तो गाइस ये रूम को हीट करने के लिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बजाज की तरफ से आने वाला है। लगभग 1500 रुपये में आपको ये ऑफलाइन मिल जाता है, और ऑनलाइन लोगे थोड़ा सस्ता आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाते रहता हूँ। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।